नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किडनी फेलियर का पेशेंट गाजर और मूली जैसी सलाद की आइटम खा सकता है या नहीं खा सकता, क्योंकि सर्दियों के मौसम के अंदर फलों की मात्रा कम हो जाती है और ये गाजर मूली खीरा जैसी आइटम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर हमें पता हो कि हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में खा सकते हैं, तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं कि गाजर मूली जैसी ज़मीन में नीचे लगने वाली सब्जियां आप खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट के अंदर हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर रहे होते हैं। पहला, प्रोटीन ना देकर बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होने देते, और दूसरा, खाने पीने के अंदर जिनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है उन्हें रोककर पेशेंट को हार्ट अटैक या फिर किसी और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों से बचा रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमें कई सारी चीज़ों को बंद करना पड़ता है। ऐसी सब्जियाँ जो ज़मीन से नीचे लगती हैं, भूरे रंग की हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू, ये सब बंद होता है क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। इसी तरह से पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, जो कि सर्दी में बहुत खुलकर आते हैं, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनके साग और चटनी बंद रहती है। अब पेशेंट कभी कभार कहता है कि मुझे सलाद खाने का मन है, तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो सलाद खा सकते हैं। अब सलाद में क्या क्या खा सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने सलाद के अंदर पत्ता गोभी है, गाजर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, ये जितने भी सलाद के आइटम हैं खा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो सबसे बड़े फ़ायदा क्या होता है, ये मीठे नहीं होते। मीठी ना होने की वजह से जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनकी किडनी डायबिटीज़ से ख़राब हो रही है या शुगर लेवल हाई बने रहते हैं, उनमें शुगर बढ़ने के चांसेस नहीं होते। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी सलाद के आइटम हैं ये सारे के सारे फाइबर रिच होती हैं। फाइबर रिच होने की वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जितना भी मटेरियल चिपका हुआ होता है, जो भी स्टूल चिपका हुआ होता है, उसको पास आउट करने में हमारी हेल्प करती है या कॉन्स्टिपेशन में हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, जिससे छोटी मोटी जो गैस एसिडिटी बन रही होती है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरा, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनमें मिनरल्स भरकर होते हैं। अब इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर आयरन है, इसमें विटामिन्स भी हैं, फ्लेवोइड्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जब हम सलाद ले रहे हैं तो हम इतनी सारी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर बॉडी को हेल्प कर रहे हैं, किडनी को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने आप को पहले से बेटर काम करने में लगाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सलाद खा रहे हैं तो कितनी खा सकते हैं, क्या हमें पूरा दिन सलाद खाने से कोई फ़ायदा होगा? तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट के हैं वो ध्यान रखें कि हम सलाद खा सकते हैं मगर एक प्लेट से ज़्यादा नहीं। तो हमें छोटी क्वार्टर प्लेट होती है, आप उसमें गाजर मूली खीरा आप उसमें अच्छे से काट के लगाइए और उसको अपने लीजिए। बट अगर आप उसकी जगह सलाद की जगह आप रोटी को छोड़ देते हैं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ सलाद पे खाऊंगा या सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। आपको दोनों ही चीज़ें लेनी है, आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स भी खानी है, और आपको चपाती एंड राइस जो आपका मेन कोर्स होता है उसको भी लेना है। क्योंकि अगर आप रोटी चावल छोड़ दोगे कि सिर्फ सलाद पे रहोगे तो भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसी गलती किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट ने प्लीज़ मत कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए कि किडनी फेलियर पेशेंट सलाद में कौन कौन सी आइटम खा सकता है, कितनी मात्रा में खा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने एक बात और बताई थी, वो थी पालक, बथुआ, मेथी के बारे में। तो उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं कि पालक, बथुआ, मेथी के साग और चटनी बंद है तो हम कौन कौन सी आइटम खा सकते हैं। पालक, बथुआ, मेथी, ये जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो जब हम इसको साग बनाने के लिए उबालते हैं तो हम इतना सारा पालक लेते हैं और उबल के इतना सा निकल आता है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि इतने सारे पालक, इतना पोटेशियम, पालक का पोटेशियम इतने से उसमें साग में आ जाता है, इस वजह से ये मना होता है। मगर मेथी के दो चार पत्तों का अगर आपने सूखा सूखा पराठा खा लिया कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आपने किसी सब्जी के ऊपर थोड़ा बहुत धनिया डाल लिया कोई दिक्कत नहीं है। आप पुदीना के दो चार पत्ते किसी चीज़ के ऊपर डाल के खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इनकी साग और चटनियाँ
बंद रहेंगी क्योंकि ये पोटेशियम में हाई होती है। तो पत्तेदार सब्जियां कम मात्रा के अंदर ली जा सकती हैं साग और चटनी को छोड़कर, इस इसका आप ध्यान रखेंगे जिससे आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा ना बढ़े और किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को ना मिले। इसके साथ एक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्दियों के अंदर, वो है गुड़। पूरे इंडिया में देखते हैं कि सारे के सारे लोग सर्दी में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, इसको भी आपने बंद रखना है। और गुड़ बहुत ख़तरनाक होता है किडनी फेलियर पेशेंट में क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पेशेंट के पोटेशियम लेवल को बढ़ा देता है और हाई पोटेशियम लेवल की वजह से पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका हार्ट जो है, उसका जो दिल है वो बीट करना बंद कर देता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दियों में खाने पीने का कुछ ध्यान ज़्यादा रखना है, गुड़ जैसी आइटम नहीं लेनी, पत्तेदार सब्जियों का हमने साग और चटनी नहीं खानी, और जो सलाद मैंने आपको बताई गाजर मूली खीरा उसको आप इंजॉय कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अब इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।